उत्तराखंड नगर निकाय चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों ने पूरी ताकत झोंक दी। स्टार प्रचारकों के साथ साथ तमाम पार्षद प्रत्याशी भी चुनावी मैदान में हैं। वहीं अगर बात करें देहरादून के, देहरादून से कई पार्षद पदों पर सीधी टक्कर देखने को मिल रही है। जनता का समर्थन भरपूर मिल रहा है, प्यार इसने पूरा जनता का हमारे साथ है और हमें पूरी उम्मीद है कि हम ये सीट निकालेंगे। यहाँ पर जो विकास के मुद्दे हैं, आप देखिए कि अभी लाइट स्ट्रीट लाइट्स हो गई, आपके रोड्स हो गई, फिर भी कई इलाके ऐसे जहाँ रोड्स नहीं है। अभी आपके डोम गांव है जहाँ पर अभी तक सड़क नहीं पहुँची है। पहले हमारी प्राथमिकता है कि वहाँ सड़क पहुँचाएं। फिर कांडाल जो आमित कालाघाट नदी है वो आपके उसमें जो आपके डोम खालागांव बस्ती है वो लगातार गिर रही है और वो अगर वहाँ पुश्ते नहीं लगाए गए तो वो पूरी बस्ती साफ हो जाएगी आने वाले समय में। तो पहले वहाँ पुश्ते हमें लगाने हैं, खालागांव न्यू खालागांव बोलते हैं उसे, ठीक है ना। बाकी हमारे यहाँ पानी की बहुत बड़ी समस्या है, पानी के टैंक बनाने हैं, जगह जगह बड़े बड़े पानी के टैंक बनाने हैं। तो पानी के टैंक बन जाएंगे तो वो भी एक उससे बड़ा वो मिलेगा। स्रोत हमारे सूख रहे हैं सारे पानी के, मोस्टली स्रोत सूख चुके हैं हमारे पानी के। आप देख ही रहे हैं मसूरी में बर्फ़ नहीं हो रही है, बर्फबारी की वजह से आपके सारे स्रोत सूख रहे हैं। तो हमें पानी के टैंक की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। लगातार जनसंख्या हमारी बढ़ती जा रही है हमारे क्षेत्र की। इतनी तो इतने आपके इसमें फ्लैट्स बन चुके हैं, हज़ारों की संख्या में फ्लैट्स बन चुके हैं हमारे इधर। तो आप सोचिए अब कितनी आबादी आने वाली है। तो इस तरीके से अगर जीत जाते हैं तो पहली बात तो अपनी जो कांग्रेस पार्टी है जिससे वो खड़े हो रहे हैं उसको आगे बढ़ाने के लिए काम करेंगे, साथ में क्षेत्र का विकास के लिए, ठीक है। पूरा क्षेत्र बहुत बहुत पिछड़ा हुआ है, कहीं सड़कें नहीं हैं। एक गांव है डोम गांव, वहाँ पर सड़क नहीं है। आज़ाद हुए आज़ादी के 70 साल हो गए हैं और वहाँ सड़क नहीं बनी है। आज भी अगर वहाँ देखेंगे तो पानी जो है वो पाइप रबड़ का पाइप बिछा के स्रोत से हम घरों में पानी लेके आ रहे हैं। जनता के ऊपर है, अपनी तरफ से तो सभी जो है ठीक मानते हैं, लेकिन असली फैसला तो जनता के हाथ में है। जो भी जनता करेगी उसके हिसाब से होगा। अब हम लोग यहाँ पर काम करते आए हैं, मेरा बेटा भी काम करता आ रहा है, पिछले 5-10 साल से एक्टिव है और हम लोग भी अपने सामाजिक सेवा में लगे हुए हैं, तो जनता के ऊपर है। जैसे कि हमारे बड़े भाई ने बताया, डोम गांव की जो समस्या है वहाँ पर आज तक रोड नहीं पहुँची। पानी की समस्या है, रोड की समस्या है, वहाँ के लोग ऊपर नीचे पैदल करते हैं, बच्चों को स्कूल छोड़ना होता है, 4-4 चक्कर लगते हैं। सबसे पहला मुद्दा जो रहेगा जीत के बाद वो रहेगा ये कि पहले डोम गांव में सड़क और आपके पानी की समस्या को सॉल्व करा जाए। और बाकी इधर उधर की समस्याएँ हैं वो सफाई हो गई, जैसे सड़कों में अपने सीवर की समस्याएँ हैं, पानी की समस्याएँ हैं, ये सब सही करनी है बस। बाकी तो जनता का प्यार मिलता रहे, बस काम करते रहेंगे। मुद्दे हमारा क्षेत्र का विकास करने का काम है। हम तो पुरानी पार्टी से जुड़े हैं, वहाँ पुरानी हुआ हम तो एक काम ही, हमारी पार्टी का काम ही रहेगा विकास करना। हमारे पहले ग्राम सभा में थे, उन्होंने बेचारा प्रयास करा ग्राम सभा को दोबारा रोकने के लिए, पर नगर निगम में चले गए। तो हमारा काम तो वही है कि विकास करना। हमारा मतलब ऐसे नहीं है कि राम मंदिर या फलाना काम, हम ये काम नहीं करते। हम मतलब क्षेत्र का विकास करना और वो भी उनका काम भी यही होगा। देखिए पहले तो मैं आपको बता दूं कि हम लोग चाह ही नहीं रहे थे कि हमारा क्षेत्र नगर निगम में आए, क्योंकि नगर निगम की जो स्थिति काफ़ी दयनीय थी। जगह जगह कूड़े के ढेर, ड्रेनेज की व्यवस्था देख रहे हैं, लेकिन अगर नगर निगम आ ही चुका है, हाई कोर्ट के निर्देशों पर सरकार कार्य कर रही है, डबल इंजन की जो सरकार थी वो पूरी तरह से फेल है। और यहाँ पर जो बोरा जी हमारे जो प्रत्याशी हैं, हमें विश्वास है युवा साथी हैं, और दूसरी ओर जहाँ भाजपा के जो प्रत्याशी हैं वो भूमाफियाओं से बिल्कुल मिलकर काम करते हैं, जमीनों का उनका काम है। तो हमें लगता है कि जो हमारे युवा साथी जो बोरा जी हैं वे निष्पक्ष होकर कर्मठता से जो है इस अपने जो क्षेत्र है इनका जो वार्ड होगा उसको जो है बिल्कुल उसका विकास करेंगे, समुचित विकास करेंगे। वैसे तो हम गांव में ही बहुत खुश थे क्योंकि ये हमें ज़बरदस्ती मिलाया गया है, पर क्योंकि एक सरकारी प्रक्रिया है इसमें हमें शामिल होना पड़ा है। तो यहाँ पे वैसे तो सब कुछ बढ़िया है, लेकिन जो मेन मुद्दे रहेंगे वो यही है कि कुछ सड़क, पानी, बिजली जो बेसिक चीज़ें हैं वो हैं, उसके अलावा हमारे इलाके में कोई भी रोज़गार का साधन नहीं है। एक दो स्कूल्स हैं वहीं पे जो है मेन लोगों का रोज़गार मिल पाता है, लेकिन परमानेंट कुछ नहीं है। तो हमारा यही है कि यहाँ पे कुछ रोज़गार के साधन नए आएँ।